हाय एवरीवन, वेलकम टू जीवा विथ मॉम गॉम चैनल। सबसे पहले तो आप लोगों से सॉरी, आप लोगों का मैसेज आ रहा था कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं अपडेट कर पा रही हूँ। उसके पीछे रीजन ये था कि मैं थोड़ी हॉस्पिटल में बिजी थी और बहुत ही ज्यादा ऐसा मैं हैक्टिक शेड्यूल हो जा रहा था और एक भी टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ या एडिट कर पाऊँ। और रात में थक के बस ऐसे लेटती थी जैसे मरी हुई पड़ी हूँ, और सुबह उठ के फिर भाग दौड़। और अपने बच्चों का प्लस कुछ हॉस्पिटल इश्यूज थे तो इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। खैर, ये सब तो चल। आज एक बहुत ही जरूरी बात करना चाहूंगी आप लोगों से, और आप लोगों से क्या, इवन जिन जिन लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचे और जो जो लोग भी मेरा वीडियो देखे, उन सभी लोगों से ये बात करना चाहूंगी कि हमारी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंस रखती है, और हमारे बच्चे या हमारे जो भी एक्स वाई जेड बीमार पड़ते हैं, कुछ भी ऐसा होता है जो हॉस्पिटलाइज करना पड़े, तो उनके लिए क्या मस्ट है, क्या जरूरी है, और किन किन चीजों से बचना चाहिए, मैं इन सब बारे में बात करूंगी। और क्या ट्रेजडी हुई मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले मैं आपको ये वीडियो क्लिपिंग दिखाना चाहूंगी। देखिए आप लोग ये वीडियो क्लिपिंग, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आपने एक छोटी सी बच्ची को एक फिट जैसा या हिचकी जैसा आते देखा और उसके मुंह से झाग जैसा निकल रहा था। ये कंडीशन में उसके बच्ची पहुंची, उसके जिम्मेदार उसके माँ बाप खुद हैं। हमारे गांव में आज भी पढ़े लिखे लोग या जो लोग नहीं भी पढ़े लिखे हैं, वो लोग, गवर्नमेंट इतनी सुविधा दे रही है, इतना सब कुछ कर रही है, फिर भी लोग हॉस्पिटल नहीं जाते। आपने देखा वो बच्ची किस कंडीशन में है। शायद अगर उसको हॉस्पिटलाइज नहीं करती मैं, तो वो शायद शायद ही 24 घंटे और रह पाती। इस कंडीशन में वो आई हुई थी मेरे पास में, और मैंने जबरदस्ती उसके माँ बाप से बहस करके और उसको हॉस्पिटलाइज्ड किया, और उसके पीछे इतना परेशान हुई अभी। हालांकि आज कंडीशन अच्छी है, बहुत अच्छी है। उसे 5-6 दिन से फीवर हो रही थी, अभी 13 या 14 दिन हुए हैं उसको पैदा हुए, और उसे फीवर हो रही थी, 102-103 डिग्री फीवर रेगुलर चल रही थी। बट उसके माँ बाप ने उसके हॉस्पिटल नहीं दिखाया, झाड़ फूक में पड़े, बीरा भभूत और एक्स वाई जेड, पता नहीं जड़ी बूटी, इन सब चीजों में पड़ते रहे। और उसको पीलिया नहीं थी, ज्वाइंडिस नहीं थी, फिर भी गांव वालों ने कहा कि बच्ची को पीलिया होगी। जनरली लोगों की सोच है कि बच्चा पैदा होता है तो उसको पीलिया हो जाती है, बट गर्मी में ऐसा नहीं होता कि बच्चा पैदा हो और उसको तुरंत पीलिया हो जाए। और पीलिया झड़ाने फुकाने के चक्कर में 6 दिन उस बच्ची को 102, 103 डिग्री, 24 घंटे फीवर रहती थी, फीड करना बंद कर दी थी, ऊपर का ना दूध पी रही थी ना माँ का दूध पी रही थी। और इस कंडीशन में वो हो गई थी कि शायद ही वो अब जी पाती। मैंने लड़ झगड़ के किसी तरह उसे हॉस्पिटलाइज किया, क्योंकि उनके फादर मेरे यहाँ पे वर्क करते हैं, मैंने जबरदस्ती करके और उसे हॉस्पिटलाइज किया। और हॉस्पिटल में जाने के बाद उसे इतनी फीवर आने के कारण से झटके आने लगे थे, मुंह से झाग निकलने लगा रात में। 12-1 बजे के करीब ऐसी कंडीशन हुई, फोन किया उन्होंने, फिर मैं गई तुरंत, भागी। हॉस्पिटलाइज करने के बाद ऐसा हुआ कि उसे फिर से फिट आने लगे, और फिर उसके बाद उसे एनआईसीयू में रखा गया। 2-3 दिन तक एनआईसीयू में कंटिन्यू रखे, और बहुत सारे टेस्ट ऐसे हुए जो काफी कॉस्टली थे। सिटी स्कैन हुआ, ब्रेन का सिटी स्कैन हुआ, कुछ टेस्ट ऐसे हुए जो उनके बोन मैरो से पानी निकाल के और फिर उसका टेस्ट किया गया कि ऐसा क्यों हो रहा, झटके क्यों आ रहे हैं। बट ये झटके और सब रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आई भगवान की दया से, और ये झटके जो हो रहे थे उसे, वो फीवर की वजह से होने लगे थे, क्योंकि 6 दिन तक 106, 103 डिग्री, 102 डिग्री फीवर कंटिन्यू से था, और उसकी दवाई उनके माँ बाप ने नहीं कराई थी।
तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग झाड़ फूंक करो, जो भी जिसका विश्वास है सब कुछ करो, मैं ये मना नहीं कर रही नहीं करो, लेकिन सबसे मस्ट है और सबसे पहला उपाय है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, चाहे सरकारी जाएं या प्राइवेट जाएं, जैसे भी आपको दिखाना है, आप सबसे पहला कभी भी कोई भी गर्मी ठंडी सर्दी किसी भी मौसम में आपका बच्चा या पेरेंट्स या कोई भी थोड़ी सी भी अगर बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे दवाइयां लें, दवाइयों के साथ साथ में आप दुआ झाड़ फूंक बीरा भभूत जो करना है जो मन करे आपका करें, लेकिन सबसे पहले आप डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर के कहने पे जो करना है वो आप दवाइयां चालू करें, उसके बाद जो आपको करना हो वो करते रहें। आप अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। सबसे रिक्वेस्ट है, आज बहुत बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि झाड़ फूंक कराते हैं और बहुत ही दिक्कत में अपने बच्चों को भी डाल देते हैं, सीरियस कंडीशन में डाल देते हैं, बहुत लोगों की बच्चों की जान चली जाती है इस झाड़ फूंक और टोना टोटका के चक्कर में। ऐसा कुछ नहीं होता है, निगेटिविटी होती है, मैं मानती हूं कि चलो ठीक है नजर होती है, निगेटिविटी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को लूज मोशन होने लगा तो वो झाड़ फूंक से ठीक होगा, किसी को पीलिया हुई तो झाड़ फूंक से ठीक होगी, किसी को उल्टी दस्त हो रहे तो वो झाड़ फूंक से सही होगा, बुखार हो रहे तो ऐसा कुछ नहीं है। अंधविश्वास छोड़ दीजिए आप लोग, और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप सबसे कि झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े, आप सबसे पहले डॉक्टर को दिखाएं, उसके बाद आपको जो करना हो करते रहें, लेकिन प्लीज किसी की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें। गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा दी है, आयुष्मान कार्ड बना है, आयुष्मान कार्ड बनवाएं, उससे आपके हर मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में आयुष्मान कार्ड अलाउड होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं आप 5 लाख तक की दवाइयां आसानी से करा सकते हैं। पढ़े लिखे लोग झाड़ फूक कराते हैं यार, क्यों कराते हो? पहले डॉक्टर को दिखा लो, पेट में बच्चा होता है सोनोग्राफी नहीं कराते, कहते हैं सोनोग्राफी कराने से बच्चे को नुकसान पहुंचेगा। इस केस में भी मैं आपको एक क्लिपिंग दिखाऊंगी, मेरे पास शायद वो क्लिप हो या फोटो हो, कैसी कंडीशन सोनोग्राफी ना कराने पे हुई बच्चे की, और आज उसके पेरेंट्स दर दर भटक रहे हैं। सो प्लीज ऐसा मत करिए, आप आराम से डॉक्टर्स को दिखाइए, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे उसको मानिए, मेडिसिन चालू करिए, उसके बाद आप जो भी करना है करें। आज का वीडियो यहीं पे, अभी उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ शहडोल में बच्चों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर सतीश विशन दसानी, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। मेरे बच्चे का भी, बच्चों का भी इलाज प्रॉपरली वहीं पे चलता है। मेरा बच्चा भी जब पैदा हुआ था तो थोड़ी उसके लंग्स में प्रॉब्लम थी, इनमेच्योर बेबी पैदा हुआ था, तो उन्होंने ही पूरा ट्रीटमेंट किया था। मेरे बच्चों को छींक तक आती है तो मैं वहीं पे लेके जाती हूँ। इनकेस भगवान की दया से सब कुछ सही है, स्वस्थ है, और जिस बेबी को लेके गई थी वो भी अच्छी है, और सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। पेरेंट्स अपने बच्चों की केयर करें, माँ बाप की केयर करें, सभी की केयर करें, लापरवाही ना करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग जीवा विद मॉम कॉम चैनल।